प्रधानमंत्री जी का निर्णय था और केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में लाया, इसको पास किया, तीन कानून बनाया और आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात की घोषणा कर दी है कि अब अगले सेशन में हम लोग इसको विड्रॉ करेंगे, समाप्त करेंगे। तो ये निर्णय तो उन्हीं का है, तो इस मामले पर तो कोई प्रतिक्रिया हो नहीं सकती है। उन्होंने खुद ही अपना विस्तार से कह दिया कि हमने कोशिश की, लोग समझे नहीं, कई तरह की बातें कह दी, तो सब चीज़ तो स्पष्ट है, इसलिए उस मामले पर हम लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी। तो उन्होंने प्रधानमंत्री समझाने के बाद उसके बाद उनका ये मन हो गया कि अब इसको हम वापस कर लेंगे और जिसका ऐलान उन्होंने कर दिया, तो उसके बाद कोई प्रतिक्रिया थोड़ी हो सकती है। विपक्ष के लोग ये सवाल खड़े करते हैं, आरजेडी कांग्रेस सोच रहे हैं, जैसे भी आनंद ने कहा कि नरेंद्र की हार हुई है, विपक्ष के लोग क्या बोलते हैं ये उनकी अपनी इच्छा है और हर किसी को बोलने का अपना एक समय होता है, उनका अपना अधिकार होता है, तो अपना बोलते रहते हैं। लेकिन निर्णय जो है वो तो केंद्र सरकार के, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय ले लिया है, जो निर्णय लिया है उसकी घोषणा कर दी, तो उस पर कोई प्रतिक्रिया है बिल्कुल, जो उनको खुद ही लगा, उन्होंने तो बहुत स्पष्टता से कह दिया कि भाई तो लोगों के हित में लागू किया लेकिन कुछ लोग इसको समझ नहीं पाए तो हम अभी इसको विड्रॉ कर दें, तो उन्होंने खुद ही सब कुछ कह दिया, तो उसका कोई कमेंट हम लोग का नुकसान होगा सर इससे किसानों का? क्यों, उन्होंने खुद ही कह दिया है, एक एक बात कह दी है। किसानों के हित में अगर ये कानून था, अगर वापस किया गया, आपको लगता है कि नुकसान होगा किसानों का? कानून वापस, वो अलग चीज है कि कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग इसके विपक्ष में थे, कुल मिला करके उन्होंने आज निर्णय लिया और खुद ही सारी बातें रख ली, तो इसलिए उस पर कोई कमेंट ही नहीं है, सब ठीक होगा। हम लोगों के यहाँ जो किसान के लिए काम होता रहता है, पहले से हो रहा है, आगे जारी रहेगा, तो वहाँ पर तो किसी तरह का कोई असंतोष है ही नहीं, वहाँ तो सारा काम चल रहा है, पहले से ही चल रहा है और आज भी चल रहा है बहुत तेज़ी से, और कृषि का जो विकास हुआ तो हम लोग देख रहे हैं, वो पूरे देश के बारे में जो सोच करके किया और फिर आज निर्णय लिया, तो ये तो निर्णय उनका है और उन्होंने जो निर्णय ले लिया है तो ठीक ही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अहंकार टूटा है, ये उनकी अपनी इच्छा है और हर किसी को बोलने का अपना एक समय होता है, उनका अपना अधिकार होता है, तो अपना बोलते रहते हैं। लेकिन निर्णय जो है वो तो केंद्र सरकार के, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय ले लिया है, जो निर्णय लिया है उसकी घोषणा कर दी है। आप उसका प्राइवेट मार्केट आप स्वागत करते हैं, उनको खुद ही लगा, उन्होंने तो बहुत स्पष्टता से कह दिया कि भाई तो लोगों के हित में लागू किया लेकिन कुछ लोग इसको समझ नहीं पाए तो हम इसको विड्रॉ कर देंगे, उन्होंने खुद ही सब कुछ कह दिया, उसका कोई कमेंट हम लोग का किसानों का नुकसान होगा सर इससे किसानों का? क्यों, उन्होंने खुद ही कह दिया, एक एक बात कर दी, किसानों के हित में अगर ये कानून था, अगर वापस लिया गया, आपको लगता है कि नुकसान होगा किसानों का? कानून वापस, वो अलग चीज है कि कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग इसके विपक्ष में थे, कुल मिला करके उन्होंने आज निर्णय लिया और खुद ही सारी बातें रख ली, तो इसलिए उस पर कोई कमेंट ही नहीं है, सब ठीक होगा। हम लोगों के यहाँ जो किसान के लिए काम होता रहता है, पहले से हो रहा है, आगे जारी रहेगा, तो वहाँ पर तो किसी तरह का कोई असंतोष है ही नहीं, वहाँ तो सारा काम चल रहा है, पहले से ही चल रहा है और आज भी चल रहा है बहुत तेज़ी से, और कृषि का जो विकास हुआ तो हम लोग देख रहे हैं, तो पूरे देश के बारे में जो सोच करके किया और फिर आज निर्णय लिया, तो ये तो निर्णय उनका है और उन्होंने जो निर्णय ले लिया है तो ठीक ही है।